मध्य प्रदेश के बैतूल में शासकीय कन्या छात्रावास में स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। आग को काबू करने में 3 दमकल की टीम को 6 घंटे लग गए। छात्रावास की महिला कर्मचारी की नींद खुली तो उसने आग देखी, छात्राओं को उठाकर बाहर कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि आगजनी की घटना में स्टोर रूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बैतूल के इटारसी रोड पर स्थित आईटीआई के पीछे संचालित नवीन कन्या छात्रावास के बाजू में स्थित स्टोर रूम में रात लगभग 2 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि छात्रावास में 30 छात्राएं सो रही थी। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी तो तत्काल महिला कर्मचारी ने छात्राओं को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। क्या नाम है बेटा? करीना कचा है। करीना कौन सी कक्षा पढ़ती हो? किस छात्रावास? 11th। कौन से छात्रावास में? क्रमांक 3। क्या हुआ रात में? रात में हम लोग सब सोए थे, एकदम से बुआ उठी तो उन्होंने बोला कि आग लग गई, आग लग गई। फिर हम लोग सब उठ गए तो हमको अलग हॉस्टल में ला के शिफ्ट कर दिया। कैसी आग लगी थी? क्या वो मतलब वो पता नहीं कि किस टाइप से आग लगी, मतलब लपटे लपटे उठ रही थी बहुत। हाँ, आग बहुत मतलब बहुत तेज आग लगी थी। काफी डर गए होंगे आप? हाँ। मैम, क्या घटना घटी छात्रावास में? सर, यहाँ जो ये अपना अधीक्षक स्टोर रूम है, उसमें अचानक पता चला 2:30 बजे रात को रात्रिकालीन कर्मचारी के द्वारा कि आग लग गई है। उस घटना को देख करके तुरंत मुझे जैसे पता चला मैं वैसे ही पहुँची और बालिकाओं को सबसे पहले लाड़ो हॉस्टल में शिफ्ट करवाया मैंने। फिर फायर ब्रिगेड वगैरह बुलवा करके यहाँ आग बुझाने का काम किया। क्या क्या नुकसान हुआ? सर, ये जो कक्ष में रखा हुआ था, मतलब उपयोगी अनुपयोगी दोनों प्रकार के सामान थे, उसमें आग लग गई। कितना नुकसान हुआ? सर, ये तो जो सामान रखा था वही जला हुआ, लेकिन बच्चियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कैसी लगी? सर, ये तो पता नहीं, आकस्मिक हो गया, शायद शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें स्टोर में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।